नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आपके अपने यूट्यूब चैनल्स में स्वागत अभिनंदन है दोस्तों। सबसे पहले एक शेर के साथ आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। रूठी हुई सुबह को मना के तो देखिए, मंजिल है पास, कदम बढ़ा के तो देखिए, जल जाएंगे दीप हजारों तुम्हारी राहों में। अपनी हस्ती को दीपक बना के तो देखिए, अपनी हस्ती को दीपक बना के तो देखिए। तो देखिए दोस्तों, सेशन को अधिक से अधिक आप शेयर कर दीजिए। मैं टॉपिक शुरू कर रहा हूँ दोस्तों। जैसा कि आपको विदित है, आज दोस्तों इस क्लास का जो पार्ट टू है, कल अपन ने पार्ट वन पढ़ा था, उसमें दोस्तों अपन का जो टॉपिक चल रहा था भोजन और पोषण, उसमें व्रत मात्रिक पोषक तत्व था। और व्रत मात्रिक पोषक तत्व में अपन कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ चुके थे। लालो क्या पढ़ चुके थे? कार्बोहाइड्रेट्स पूरा पढ़ लिया था। आज उसका आगे वाला भाग है। मैंने कहा था दोस्तों, व्रत मात्रिक पोषक तत्वों में तीन आते हैं, एक कार्बोहाइड्रेट आता है, एक प्रोटीन आता है, एक वसा आता है। तो यहाँ अपन दोस्तों आज प्रोटीन और वसा का अध्ययन करेंगे दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल अच्छा कंसेप्ट होने वाला है, गजब के क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ से दोस्तों। आप दोस्तों ये टॉपिक करने के पश्चात लगभग आर्मी में आपको दो क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, बिना देरी के आइए शुरुआत करते हैं। टॉपिक है दोस्तों प्रोटीन। क्या है दोस्तों? प्रोटीन, ठीक है। आप देखिए दोस्तों, प्रोटीन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो भोजन में प्रथम स्थान रखने वाला क्या होता है? प्रोटीन, ठीक है। इसका अर्थ होता है भोजन में प्रथम स्थान रखने वाला, भोजन में प्रथम स्थान रखने वाला, भोजन में प्रथम स्थान रखने वाला। ये शब्द वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका अर्थ होता है प्रोटीन का। प्रोटीन का अर्थ क्या होता है? भोजन में प्रथम स्थान रखने वाला। अब क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि इसकी खोज किसने की? दोस्तों इसकी खोज की थी दोस्तों मुल्डर ने। किसने की दोस्तों? मुल्डर नामक वैज्ञानिक ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में कि प्रोटीन के खोजकर्ता कौन है? तो दोस्तों इसको बताना आपको मुल्डर ने। किसने की दोस्तों? मुल्डर ने की। आगे इसका तथ्य अपन याद रखेंगे दोस्तों। इसका उपनाम क्या होता है? तो दोस्तों इसको बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट। क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट, ठीक है। अर्थात ये हमारे शरीर की बॉडी का क्या करता है? निर्माण करता है। यानी ये क्या करता है? कई प्रकार के जो टूटी फूटी कोशिकाएं होती है दोस्तों, क्या करती है? टूटी हुई कोशिकाएं होती है, उसकी क्या करता है? मरम्मत करता है। टूटी हुई कोशिकाओं की क्या करता है? मरम्मत करता है। या कह सकते हैं उत्तकों का क्या करते हैं? करता है निर्माण करता है। उत्तकों का क्या करता है? निर्माण करता है। अब देखिए दोस्तों, जैसे आप जिम जाते हो, व्यायाम करते हो, तो कई प्रकार की जो हमारे शरीर में कोशिकाएं पाई जाती है, हम जानते हैं कि असंख्य कोशिकाएं मिलकर ही हमारे मानव शरीर का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। तो ये कोशिकाएं सत विकसित हो जाती है। इसलिए दोस्तों जो प्रोटीन है, हम भोज्य पदार्थ के रूप में जो प्रोटीन ग्रहण करते हैं, जिससे तो ऊर्जा तो मिलती है, साथ ही साथ क्या होता है? टूटी हुई कोशिकाओं की क्या करता है? मरम्मत करता है। उत्तकों का क्या करता है? निर्माण करता है। अपन के शरीर का वेट बढ़ता है, इसका मतलब हमारे शरीर में क्या बढ़ती है? कई प्रकार की कोशिकाएं बनती है, मतलब कई प्रकार के उत्तक बनेंगे। उत्तक बन के फिर क्या बनेगा दोस्तों? अंग बनेगा, ठीक है। तो मतलब क्या होगा? कई प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होगा, जिसके कारण क्या होगा? हमारे शरीर का क्या होगा? पुनः निर्माण होगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए एक पॉइंट है प्राप्ति, ठीक है। प्रोटीन की प्राप्ति किस किस से होती है? तो मांस से होती है एक, और इसके अलावा दालों से होती है। मांस और दालों से, ठीक है। मांस से होती है, दालों से होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करूं, ठीक है, कार्य इसका हो गया। कार्य होता है टूटी हुई कोशिकाओं की क्या करना? मरम्मत करना, या उत्तकों का क्या करना? निर्माण करना। आप इतने का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक चला रहा हूं, आगे देखिए। वीडियो को आप दोस्तों लाइक अवश्य कीजिए क्लास को। आगे देखिए, एक ग्राम, क्या एक ग्राम प्रोटीन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? अच्छा क्वेश्चन है। तो 4.1 किलो कैलोरी, ये KCL है, इसका मतलब होता है किलो कैलोरी, ठीक है दोस्तों। कल कार्बोहाइड्रेट में शायद बताया नहीं था, कार्बोहाइड्रेट, एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी। देखिए यहाँ 4.1 है, कितना है? 4.1 है, और यहाँ ऑनली कितना है? 4 है। तो
1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है और 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। दोनों वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रॉस क्वेश्चन है, प्राय ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेटर के पहले पसंद होते हैं, ध्यान रखना, दोनों पे डबल स्टार मारोगे आप, ठीक है। तो ये चीज विशेष आप ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए शब्द का मतलब क्या होता है कि ये भोजन का जो प्रथम अवयव है वो है, इसके अलावा 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रोटीन करता क्या है, टूटी फूटी जो कोशिकाएं होती है उसकी क्या करता है, मरम्मत करता है, अर्थात कह सकते हैं हमारे शरीर का क्या करता है, निर्माण करता है। किस में पाया जाता है, तो दालों में पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा मांस में पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा भी और भी कई प्रकार में, जो भाई दूध में कितना पाया जाता है, सॉरी दूध में तो होता नहीं, सोयाबीन में कितना पाया जाता है, दाल में कितना पाया जाता है, मांस में कितना होता है, अंडों में कितना होता है, सारी चीजें अपन क्या करेंगे इसी क्लास में अध्ययन करेंगे। अब देखिए कुछ विशेष पॉइंट बता रहा हूं आपको, जहां से सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कुछ विशेष पॉइंट, ठीक है। तो यहां डालिए आप विशेष बिंदु, क्या है, विशेष बिंदु, ठीक है। और आपका पहला पॉइंट है कि सबसे ज्यादा प्रोटीन, सबसे ज्यादा प्रोटीन स्पाइवरलिन शैवाल में पाई जाती, स्पाइवरलिन शैवाल में पाई जाती। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रोटीन आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में पाई जाती है, स्पाइवरलिन शैवाल। देखिए आप एक दो बार नाम पढ़ोगे तो वहां ऑप्शन आएगा, आपको नाम याद नहीं रखना, ध्यान रखना थोड़ा सा कि किस शैवाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है, स्पाइवरलिन शैवाल में कितनी पाई जाती है कि सर 65% पाई जाती है, कितनी पाई जाती है, 65%, और किसी भी खाद्य पदार्थ में 65% नहीं पाई जाती, सबसे ज्यादा स्पाइवरलिन शैवाल में 65% पाई जाती है, ठीक है। अब ये शैवाल पाया कहाँ जाता, तो ये शैवाल सांबर झील में पाया जाता, कहाँ पाया जाता है, सांबर झील में पाया जाता है, जो सांबर झील हमारे राजस्थान के जयपुर सहित कई जिलों में फैली हुई है, ठीक है। तो सांबर झील का नमक क्या है, प्रसिद्ध है, सांबर झील का जो नमक है वो विश्व प्रसिद्ध है, और विश्व प्रसिद्ध खारे पानी की ये झील है दोस्तों। तो यहाँ ध्यान रखना स्पाइवरलिन शैवाल पाया जाता है, कहीं लाल समझते नहीं शैवाल क्या होता है, तो ध्यान रखना शैवाल कोई भी जलाशय है, ये जैसे जलाशय है, तालाब है, पोखर है, ठीक है, झील है, और उसके ऊपर पानी है, पानी के ऊपर जो हरे हरे रंग की जो काई होती है वही क्या होता है, शैवाल होता है। आपके घर में जो मटका पड़ा और मटके के साइड में देखोगे थोड़ी बहुत शैवाल मिल जाएगी जो हरे रंग की काई है। इसके अलावा गांव में जो नाड़ियां पड़ी है, ठीक है, तालाब पोखर कहीं पड़े हुए होंगे तो वहां किनारे पे देखना या उस जल के ऊपर आप देखोगे तो वहां क्या होगा, शैवाल मिलेगी आपको, ठीक है, ध्यान रखना शैवाल सजीव होती है, ठीक है। तो ऐसी कुछ शैवाल है वो क्या है, लाभदायक है, ठीक है। और इस स्पाइवरलिन शैवाल का उपयोग कौन करते हैं, अंतरिक्ष यात्री करते हैं, कौन करते हैं, अंतरिक्ष यात्री करते हैं, किसके रूप में, भोजन के रूप में खाते हैं उनको, ध्यान रखना भोजन के रूप में करते हैं। कोई कहता साहब वो क्यों करते हैं भोजन के रूप में, मजा आता है क्या उनको, अरे मजा क्या आता है, उनसे ऊर्जा ज्यादा मिलती है, और अंतरिक्ष में क्या होता है लंबे समय तक भोजन वगैरह लेने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए क्या होता है काफी समय जब इनको ग्रहण करेंगे तो 65% क्या होगी, इनसे इनमें प्रोटीन पाया जाता, तो मतलब क्या होगा काफी समय इनको क्या होगी ऊर्जा संचित होती रहेगी, तभी इनका क्या करते हैं उपयोग करते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा प्रोटीन किस, प्रोटीन किसमें पाई जाती है, स्पाइवरलिन शैवाल में पाई जाती है, कि कितने परसेंट पाई जाती है, कि 65% पाई जाती है, और स्पाइवरलिन शैवाल कहाँ पाया जाता है, तो सांबर झील में पाया जाता है। सांबर झील कहाँ है, राजस्थान में, नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जीके के दो क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। इसके अलावा स्पाइवरलिन शैवाल का उपयोग कौन करते हैं, कि साहब अंतरिक्ष यात्री करते हैं, किस रूप में करते हैं, भोजन के रूप में करते हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चलिए ले लिया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पॉइंट की बात करता हूं, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या रहने वाला, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर मान लो कि आपका ये स्पाइवरलिन शैवाल वाला ना पूछ के
ऑप्शन ही नहीं हो आपके। मान लो क्वेश्चन पूछा कि सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाई जाती है, तो स्पाइरलिन सवाल अगर नहीं आए तो आप दूसरा ध्यान रखोगे सोयाबीन, दूसरा ध्यान रखोगे सोयाबीन। ठीक है, सोयाबीन में पाई जाती है 40 से 42%। ठीक है, इसके अलावा दाल, ठीक है, दालों में पाई जाती है आपके 30 से 32%। कितने परसेंट? 30 से 32%। इसके अलावा मांस में पाई जाती है आपकी 16 से 18%। ठीक है, इसके अलावा अंडे, ठीक है, संडे हो शाय मंडे रोज खाओ अंडे, अंडम होता 10%, रोज खाने से कुछ नहीं होने वाला लालम। ठीक है, दाल भी पौष्टिक है अंडों से। तो ठीक है, तो सबसे ज्यादा तो किसमें थी लालम? स्पाइरलिन सवाल, स्पाइरलिन, ठीक है, स्पाइरलिन सवाल में कितनी थी? 65% फर्स्ट स्थान। तो इसका ऑप्शन भी नहीं मिले स्पाइरलिन सवाल। ठीक है, गरीब एग्जाम में बेचारा इंडियन आर्मी पेपर की थोड़ी सी लोअर टेबल थी। मैं यहाँ काफी अच्छे लेवल से चल रहा हूँ, आपको कोई भी खास गाइड उठा कि नहीं जरूरत नहीं रहेगी। जो जो क्वेश्चन बने हैं पूरा निचोड़ करके निकाल रहा हूँ दोस्तों, ऐसा आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर मिल जाए तो चैलेंज है, ध्यान रखना नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो सोयाबीन में 40 से 42% पाई जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा, कई दफे बना हुआ। सबसे ज्यादा प्रोटीन की बात करें तो सोयाबीन में पाई जाती है। कई डिफेंस की तैयारी करने वाले छात्र इनका उपयोग भी करते हैं, अच्छी चीज है, मार्केट में मिलती है। ठीक है, बढ़िया टाइप आप बोलते होंगे वही सोयाबीन अच्छी है, पौष्टिक है, बहुत लाभदायक है। ठीक है, शरीर का निर्माण करेगी, वेट भी अच्छा बढ़ेगा, ताकत आएगी। ठीक है, इसके अलावा दाल है तो कोई भी दाल का सेवन कर सकते हो, 30 से 32% प्रोटीन है। मांस है वहां 16 से 18% है, कम है देखो मांस में फिर भी। ठीक है, अंडे है, हाँ अंडे में कैल्शियम की मात्रा प्रचुर मात्रा में है, पाई जाती है प्रचुर मात्रा कैल्शियम की, बट अंडे में प्रोटीन कितना ला लो? केवल 10% है। ठीक है, अब देखिए अपन आगे एक बात करते हैं, अंडे में क्या होता है? जैविक आवर्धन ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, जैविक आवर्धन की क्षमता अंडे में क्या होती है? ज्यादा होती है। जैविक आवर्धन की क्षमता अंडे में क्या होती है? सर्वाधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए आगे अपन का टॉपिक नेक्स्ट, देखिए कुछ और तथ्य आपको प्रोटीन से संबंधित है दोस्तों, कि आपके नाखूनों में किसमें दोस्तों? नाखूनों में, जंतुओं के सींग में, जंतुओं के पैर जिसे खुर बोलते हैं दोस्तों, इसके अलावा आपकी जो त्वचा है, इसके अलावा बाल है, उसमें प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम है दोस्तों केराटिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? केराटिन प्रोटीन। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, नाखूनों में, सींग में, खुर में, त्वचा में, बाल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केराटिन की प्रोटीन पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई दफे बना हुआ देखे दोस्तों। ठीक है, नाखूनों में कौन सी प्रोटीन? केराटिन। सींग में आ जाए, देखिए गाय भैंस बकरी कोई भी ले लो, सींगों में केराटिन प्रोटीन। खुर होते हैं देखिए, वो भी सींग टाइप ही रहते हैं, उसमें भी केराटिन प्रोटीन। त्वचा चमड़ी में केराटिन प्रोटीन। बालों में कौन सी प्रोटीन है? केराटिन प्रोटीन है। ठीक है, मेरे तो केराटिन आपके अलग हो सकती है, ध्यान रखना। ठीक है, मजाक कर रहा हूं। आगे देखिए दोस्तों, नाखून के जीवित भाग में, ठीक है, नाखून के जीवित, ठीक है, नाखून के जीवित भाग में एक इलाइडिन प्रोटीन पाई जाती। कौन सी प्रोटीन? इलाइडिन प्रोटीन पाई जाती। देखिए अच्छा क्वेश्चन ये भी, कि एक तो देखिए अपन नाखून है, नाखून का आगे वाला भाग है, ठीक है, आगे वाला भाग में कौन सी प्रोटीन है? केराटिन प्रोटीन है। एक पीछे वाला भाग होता है जीवित भाग होता है, मतलब उनको काटते तो अपन को क्या होता है? दर्द अनुभव होता है। ठीक है, तो वहां पर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? इलाइडिन प्रोटीन पाई। ध्यान रखना केराटिन प्रोटीन का दूसरा नाम है मृत प्रोटीन। कैसी प्रोटीन? मृत प्रोटीन होती है। ठीक है, तभी अपन को खास दर्द नहीं होता है, बाल काट लो, नाखून काट लो, ठीक है, इनसे खास दर्द नहीं होने वाला। ठीक है, ध्यान रखना नाखून जीवित मत काटना। जीवित वाले भाग में कौन सी प्रोटीन है? इलाइडिन प्रोटीन है। इसके अलावा देखिए मानव रक्त, मानव रक्त, ठीक है, मानव रक्त या कोई भी रक्त बोल दो, ठीक है,
रक्त में कौन सी प्रोटीन है? तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन, ठीक है, HB प्रोटीन, यहां कह सकते हैं हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण रुधिर का रंग क्या होता है? लाल होता है। क्या होता है? लाल होता है। ये क्वेश्चन भी इंडियन आर्मी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन एक एक पॉइंट है वो $150 से कम नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तो रक्त में हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है, क्योंकि यहाँ हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण रुधिर का रंग लाल होता है। नाखून के जीवित भाग में इलाइडीन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी लाला? इलाइडीन प्रोटीन। नाखून, सींग, खोर, त्वचा, बाल में क्रिएटिन प्रोटीन पाई जाती है। क्रिएटिन प्रोटीन का दूसरा नाम है मृत प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? मृत प्रोटीन, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर मैं आपके सामने बात करूंगा कि दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो दूध में कौन सी प्रोटीन है? कैसीन प्रोटीन। दूध में कौन सी प्रोटीन है? कैसीन। एक माँ के दूध में प्रतिरक्षी पाई जाती, माँ के दूध में प्रतिरक्षी पाई, जिसका नाम होता IgA, इम्यूनोग्लोबिन ए प्रोटीन। इम्यूनोग्लोबिन ए प्रोटीन है। हालांकि क्वेश्चन कम आता है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते आगे। गुणसूत्रों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती? गुणसूत्रों में दोस्तों हिस्टोन प्रोटीन। कौन सी? हिस्टोन। गुणसूत्रों में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। गुणसूत्रों में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। मांसपेशी में देखिए दोस्तों, मांसपेशी, मांसपेशी, मांसपेशी किसकी है? मांसपेशी CO साहब की। किसकी है? CEO साहब की, ठीक है। याद रह जाएंगे यहाँ तीन प्रोटीन पाए जाते हैं। सी से आपका नाम रहेगा कोलेजन। कौन सा दोस्तों? कोलेजन प्रोटीन, ठीक है। यहाँ ई से इलास्टिन प्रोटीन और ओ से दोस्तों ओसिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? ओसिन प्रोटीन, ठीक है। नाम याद रह जाएगा। गुणसूत्र में स्टोन प्रोटीन पाई जाती है, इसको खास माथापच्ची नहीं करनी आपको। लेकिन मांसपेशियों में तीन प्रकार के क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन पाए जाते हैं। एक तो आपका कोलेजन प्रोटीन, दूसरा इलास्टिन प्रोटीन और तीसरा है ओसिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है? ओसिन प्रोटीन है। इसके अलावा अगर बात करूं मैं तो देखिए दोस्तों, प्रोटीन में क्या पाया जाता है? अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल की संख्या कितनी कितनी होती है? टोटल 20 होती है। टोटल कितनी होती है दोस्तों? 20 होती है। क्वेश्चन बन सकता है कि अमीनो अम्लों की संख्या प्रोटीन में कितनी पाई जाती है? टोटल 20 होती है, जिसमें देखिए दो भागों में बांट लो, 10-10 अलग अलग कर लो। 10 तो हमारे शरीर में क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। 10 क्या होते हैं? अनावश्यक होते हैं। 10 तो क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। 10 क्या होते हैं? अनावश्यक होते हैं, ठीक है। और जो आवश्यक होते हैं वो तो कहां से हमारे लिए लेने पड़ते हैं? भोजन से लेने पड़ते हैं। अनावश्यक होते हैं वो जिसका निर्माण कहां से होता है? शरीर के अंदर ही होता है। जिसका निर्माण किसमें होता है? शरीर के अंदर होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अपन ने कई सारे क्वेश्चन किए कि अब गुणसूत्र एक बार वापस देखते हैं। गुणसूत्र में हिस्टोन प्रोटीन, मांसपेशी है। मांसपेशी को आप CEO से याद कर लेना, CEO की मांसपेशी किसकी? CEO साहब की, ठीक है। सी से कोलेजन प्रोटीन। कैसा प्रोटीन? कोलेजन प्रोटीन। ई से इलास्टिन प्रोटीन। ओ से ओसिन प्रोटीन, ठीक है। आगे देखिए प्रोटीन में और क्या पाया जाता है साहब? प्रोटीन में एमिनो एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एमिनो एसिड, ठीक है। मतलब एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। कितने होते हैं? 20 होते हैं। 10 तो होते हैं आवश्यक, मतलब हमारे शरीर में क्या होती है? आवश्यकता होती है, जिसको भोजन से लेना पड़ता है अनिवार्य, ठीक है। 10 क्या होते हैं? अनावश्यक, ठीक, जिसका निर्माण किसमें होता है? शरीर में होता है, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसका भी कई क्वेश्चन है, लिख देना दोस्तों। नोट्स आप खुद बनाओगे, ध्यान रखना। पहले आप खुद बनाओगे, लास्ट में मैं दे दूंगा अपने आप आपको, ठीक है। पहले मत मांगना कोई। नेक्स्ट देखिए, ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत करते हैं वसा का। किसका? वसा का, ठीक है।
उम्मीद करता हूं कि प्रोटीन आपको समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन निकले दोस्तों, प्रोटीन क्या है बहुत ही अच्छा टॉपिक है, यहां से आपको क्वेश्चन बनने की पूरी उम्मीद है। जितने छोटे छोटे क्वेश्चन दोस्तों पॉइंट के रूप में थे मैंने पूरे निकाल दिए है, ये पढ़ लेना पर्याप्त है दोस्तों, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब देखिए वसा के बारे में बात करते हैं, तो देखिए सबसे पहले वसा की मैं बात करूं तो वसा से मिलती क्या ऊर्जा ही मिलती है, ठीक है। वसा से क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। कोई पूछे साहब मिलती कितनी ऊर्जा है, ठीक है, तो 9.1 किलो कैलोरी से 9.3 किलो कैलोरी, ठीक है, कि 9.1 से 9.3 किलो कैलोरी। जी हाँ, कि सर कार्बोहाइड्रेट से तो कितनी मिलती थी, कार्बोहाइड्रेट से थी 4.0 थी, ठीक है, और अभी पढ़ा प्रोटीन से कितनी मिलती है 4.1 किलो कैलोरी मिलती है। इसका मतलब यह हुआ कि सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलेगी, सबसे ज्यादा ऊर्जा वसा से मिलेगी, बिल्कुल सबसे ज्यादा ऊर्जा वसा की मिलेगी। तो कैसा वसा ही खानी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट की जरूरत ही कहां, नहीं ला रहा हूं, कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है। क्यों, कार्बोहाइड्रेट कल बताया था तुरंत ऊर्जा देता है, क्या देता है, तुरंत ऊर्जा देता है, ठीक है। ग्लूकोज का सूत्र याद है किसी को, C6H12O6, नहीं याद है ट्रिक बताता हूं। देखो महेंद्र सिंह धोनी ने, किसने, धोनी ने, नाम सुना है फैनो माही के, ठीक है, धोनी ने क्या किया, ग्लूकोज पिया, तुरंत ताकत आई और दो धड़ाधड़ क्या मारे छक्के, क्या मारे छक्के, ठीक है। जब यहाँ छक्का मारा, यहाँ छक्का मारा, स्कोर कितना 12 हो गया, दो छक्कों से 12 हुआ कि नहीं हुआ, तो बीच में 12 याद रह जाएगा, ठीक है, छोड़ोगे नहीं, क्वेश्चन ऑप्शन में आएगा यार, रटने की कहाँ जरूरत है। अब असल तो मिलने वाला है ना, एबीसीडी मिलते ही ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6, ठीक है, एक छक्का इधर से ऑफ साइड में, एक ऑन साइड में, ठीक है, टोटल योग 12, मतलब ग्लूकोज पीकर क्या मारा, छक्का मारा, ठीक है। अब देखिए यहां से अगर आप इस सूत्र को मैं थोड़ा यहां लिख रहा हूं, देखिए आप देखिए C6H12O6 काटो, 6 × 6 = 6 × 12 = 6 × 6, इसका योग कितना होता है 1:2:1, ठीक। अगर अनुपात की बात आए तो ये दोस्तों जानना कार्बोहाइड्रेट के लिए, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में इसका सरल अनुपात 1:2:1 पाया जाता है, लेकिन वसा में ध्यान रखना 1:2:1 नहीं पाया जाता, 1:2:1 वसा में नहीं पाया जाता। कभी ऑप्शन आ जाता कि वसा में सरल अनुपात पाया जाता, जी नहीं, क्यों, क्योंकि वसा क्या है, अघुलनशील है, क्या है, अघुलनशील है, मतलब तुरंत घुलती नहीं है, घुलती है क्या, नहीं घुलती है, पानी के ऊपर तेल डाली घी डाली घुलेगा, नहीं घुलेगा, अघुलनशील है, ठीक है। लेकिन ऊर्जा तो बहुत क्या है, ज्यादा है, 9.1 किलो कैलोरी से 9.3 किलो कैलोरी। तो देखिए कई प्रश्न हुए कि वसा में क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती कितनी मिलती है, 9.1 किलो कैलोरी से 9.3 किलो कैलोरी, यही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट में 4.0 किलो कैलोरी, प्रोटीन में 4.1 किलो कैलोरी, वसा क्या होती है, अघुलनशील होती है, ठीक है। इसके अलावा वसा में 1:2:1 वाला अनुपात नहीं पाया जाता। अब देखिए वसा का निर्माण किससे होता है, तो देखिए कल बताया था मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कार्बन से हाइड्रोजन से ऑक्सीजन से होता है, CHO, आज इसके साथ N शामिल कर दो, ठीक है, N मतलब नाइट्रोजन, N मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन। कोई बताएगा मुझे नाइट्रोजन के वायुमंडल में मात्रा कितनी होती है, 78%। सबसे ज्यादा वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है, 78% होती है, ध्यान रखना। 21% होती है आपकी O2, 0.03% होती है CO2, 78% होती है आपकी नाइट्रोजन, और 0.97%, ठीक है, क्या होती है, अन्य गैसें होती है जिसमें ऑर्गन वगैरह सारी गैसें शामिल है, ठीक है। तो यहां पर इसका निर्माण कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो है ही है, साथ ही साथ कौन ला रहा हूं, नाइट्रोजन है, ठीक है। तो क्वेश्चन हुए काफी तैयार, यहाँ पे आपके काफी क्वेश्चन तैयार हुए होंगे दोस्तों, ठीक है। क्या क्या हुए, वसा से मिलती क्या है, कि साफ वसा से ऊर्जा मिलती है, वसा क्या है, जल में अघुलनशील है, वसा जल में क्या है, अघुलनशील है, इसका सूत्र इसमें CHO और N तत्व क्या है शामिल है, ठीक है, इससे ऊर्जा प्रचुर मात्रा मिलती है, 9.1 से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो घुलनशीलता की अगर क्रम में बात करें
तो सबसे ज्यादा ऊर्जा वसा में, उसके बाद ऊर्जा मिलती है आपकी प्रोटीन में, उसके बाद मिलती है कार्बोहाइड्रेट में। ये क्रम आप ध्यान रखना, ऊर्जा का क्रम है सबसे ज्यादा। ये तीर बता रहा भाई, ये बड़ी है मोटी है, ठीक है, इसका मुंह इधर खुला है, इसका मतलब ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, ठीक है। तो अगर बात करें कि तुरंत ऊर्जा में, किसमें तुरंत ऊर्जा कौन देता था, तुरंत ऊर्जा में बात करें तो यहाँ क्रम उल्टा कर देना, कार्बोहाइड्रेट पहले ले आना, कार्बोहाइड्रेट जल्दी गलत घुलता है, इसलिए क्या होता है ऊर्जा इससे तुरंत मिलती है। फिर आप लाओगे यहाँ पे प्रोटीन, क्या लाओगे प्रोटीन, फिर लाओगे वसा। ध्यान रखना दोनों सीरीज में प्रोटीन बेचारा बीच में टपका हुआ, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं दोस्तों अच्छी लग रही होगी आपको क्लास। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए वसा से क्या होता है, अत्यधिक वसा के सेवन से, ठीक है, अत्यधिक वसा के सेवन से, ठीक है, अत्यधिक कर दो यहाँ, बाकी खाना तो चाहिए, मैं ये नहीं कहता हूँ खाना मत, ठीक है, वसा का सेवन करना चाहिए, अच्छा है, ठीक है, क्योंकि उसमें ऊर्जा की मात्रा ज्यादा होती है। एक आप कल्पना कीजिए कि आप मान लो कि बहुत ज्यादा अगर खाने में मान लो घी खा रहे हो, तो ये जाहिर सी बात है कि आपको भूख रोजाना की तुलना में क्या होगी, 1-2 घंटे लेट लगेगी। कारण कारण सीधा सा है कि यहाँ पर जो 9.1 किलो कैलोरी, 1 से 9.3 जो किलो कैलोरी आपको क्या मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है ना, वो लंबे समय तक क्या होगी रहेगी। इसके अलावा आप देखिए, जैसे आपने मीट का सेवन किया होगा, तो मीट के ऊपर क्या पाया जाता है, वसा पाई जाती है। अगर बहुत अत्यधिक मात्रा में अगर वसा है उसके अंदर, तो आपको मतलब क्या होगा, खाने के पश्चात भूख क्या होगी, लंबे समय पश्चात लगेगी। तो सीधा सा कारण है कि वसा क्या है, थोड़ी धीमे गलती है, मतलब इसको पचने में क्या लगता है, समय लगता है। अब देखिए अत्यधिक वसा के सेवन से क्या होता है, मोटापा आता है, क्या आता है, मोटापा आता है, ठीक है। अत्यधिक वसा युक्त पदार्थ, जैसे बहुत ज्यादा मात्रा में आप घी खा रहे हो, तेल खा रहे हो, या बाजार के तले भुने सामग्री खा रहे हो, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, मोटापा आएगा। अब देखिए इन चीजों को खाने के पश्चात अगर आप तेज शारीरिक व्यायाम करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, पच जाएगी बच्चा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या है कि खा पे तो बहुत लिया, फिर जाके कुर्सी पे बैठ के टपक गए कि साहब हम तो कंप्यूटर चला रहे हैं, हम शॉप चला रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो फिर यहाँ क्या होगा, मामला गड़बड़ होगा, चर्बी बढ़ जाएगी। ध्यान रखना, और ध्यान रखना मोटापा तो आएगा आएगा, अलग बात है यहाँ हार्ट अटैक आएगा, मतलब हार्ट अटैक की क्या होगी, समस्या होगी, ठीक है, हार्ट अटैक की समस्या होगी। जो आपका हृदय है, ठीक है, मिनट में 72 बार धड़क रहा है, हो सकता है या तो 72 से ज्यादा आ जाएगा, बीपी हाई हो जाएगी, या क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, ठीक है। बीपी मीन्स ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्षा, अच्छा क्वेश्चन याद आ रहा है, एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य, एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्षा 120/80 nmHg, nmHg तो इकाई है, 120/80 से याद ध्यान रखना, 120/80 है, ठीक है, 120 ऊपर रखना आपको, 80 नीचे है। ये क्वेश्चन आर्मी में कई दफे बना हुआ, एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्षा आप 120/80 होता है, ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्षा आप 120/80 होता है, एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्षा मतलब ब्लड प्रेशर याद रखना आप कितना होता है, 120/80। और मनुष्य के शरीर का तापमान, एक अगर आदमी स्वस्थ है, ये देखिए शानदार क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान 36.9 डिग्री, कितना होता है, 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड, 36.9 आपको ऑप्शन नहीं मिले, 37 मिलता है, तो बिल्कुल सही है, परफेक्ट 36.9 है, लेकिन आजकल कई बुकों में 37 डिग्री सेंटीग्रेड आता, सेंटीग्रेड ध्यान रखना, पैमाने 3 होते हैं, फारेनहाइट होता है, केल्विन होता है, सेंटीग्रेड होता है, आपको सेंटीग्रेड याद रखना, फारेनहाइट आ जाए, क्योंकि पैमाने सेंस करें तो फारेनहाइट आए तो 98.6 डिग्री फारेनहाइट, ठीक है, इसको बदलते हैं तो 98.6 फारेनहाइट होता, कितना होता है, 98.6 फारेनहाइट होता है, ठीक है, फारेनहाइट कितना है, 98.6, ठीक है। चलिए तो सेंटीग्रेड पैमाने की बात करें तो आपका 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड, और फारेनहाइट की बात करें तो 98.6 डिग्री फारेनहाइट, क्या है,
एक स्वस्थ मनुष्य के टेम्परेचर है, बॉडी के शरीर का क्या है, तापमान है, शरीर का तापमान है। ठीक है, अब देखिए वसा के प्रकार, वसा कितने प्रकार की होती है, प्रश्न आता परीक्षा में दो प्रकार की, कितनी दो, एक तो होती है संतप्रत और एक होती है असंतप्रत। ठीक है दोस्तों, तो आज टॉपिक इतना ही है, प्रोटीन और वसा। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। देखिए ये सारे के सारे जो अपन ने पढ़े हैं, व्रत मात्रिक पोषक तत्व तो, याद दिला देता हूँ, पहले कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था, उससे ऊर्जा मिल रही थी, प्रोटीन ऐसे ही ऊर्जा मिलती है, वसा से भी क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। अब जो आएगा जिससे ऊर्जा नहीं मिलेगी लेकिन फिर भी हमारे शरीर में क्या होगी, आवश्यकता होगी। आज अपन ने पढ़ा क्या, प्रोटीन पढ़ा। ठीक है, प्रोटीन में सारे के सारे मेन मेन अवयव पढ़े, फिर क्या पढ़ा दोस्तों, फिर पढ़ा वसा। ठीक है, वसा से मिलती क्या है, कि साहब वसा से क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। वसा है क्या, कि वसा जल में क्या है, अघुलनशील है। निर्माण किससे हुआ, कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, CHO के साथ क्या था, नाइट्रोजन था। नाइट्रोजन से क्वेश्चन वायुमंडल मात्रा के साथ 78% पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या नहीं पाया जाता है, कि इसमें 1:2:1 वाला लफड़ा यहाँ नहीं है, वो किसमें है, वो कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, वसा से क्या तुरंत ऊर्जा मिलती है, जी नहीं, वसा से तुरंत ऊर्जा नहीं मिलती, तुरंत ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, क्योंकि वहां ग्लूकोज होता है, जल्दी अपघटन होता है। ठीक है, लेकिन वसा से ऊर्जा क्या मिलती है, सबसे ज्यादा मिलती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा से ऊर्जा तो मिलती है तीनों में, लेकिन सबसे ज्यादा किसमें मिलती है, वसा में। कितनी, कि 9.1 से 9.3 किलो कैलोरी मिलती है प्रोटीन से, प्रोटीन से 4.1 किलो कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी मिलती है। ठीक है, वसा के प्रकार दो प्रकार की, संतप्रत और असंतप्रत। संतप्रत में दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें, असंतप्रत में भी क्या होते हैं, दो प्रकार होते हैं, LDP ठीक है और एक होता है HDP। ठीक है, ठीक है, लो डेंसिटी और यहाँ होता है हाई डेंसिटी। ठीक है, तो ये तो खास ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, मेन आपका यही क्वेश्चन बनता है कि असंतप्रत वसा के कितने टाइप्स होते हैं, दो होते हैं। ठीक है, इसके अलावा वसा, वसा खूब दो प्रकार होते हैं, संतप्रत और असंतप्रत। और अत्यधिक वसा युक्त पदार्थों के सेवन करने से क्या होता है, अत्यधिक वसा युक्त पदार्थों के सेवन करने से शरीर में क्या होता है, ऑब्सिविटी आती, मोटापा आता है। ठीक है, और मोटापा से हृदयाघात हो सकता है। ठीक है, और स्वस्थ मनुष्य के शरीर की जो धड़कन होती है हृदय की, वो होती है 72। ठीक है, और अब अगर हृदयाघात हो गया तो 72 से ज्यादा या कम हो जाएगी, वो स्थिति होगी बीपी हाई या लो, ज्यादा है तो हाई। ठीक है, 72 से कम है तो क्या होगी, लो होगी, तो भी प्रॉब्लम्स है। ठीक है, इसके अलावा बाकी जो भी हमारा टॉपिक रहता है कल की क्लास में पढ़ते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय वंदे मातरम। और एक आपसे छोटी सी अपील है दोस्तों, कि थोड़े यहाँ पर आप दोस्तों स्टूडेंट्स ज्यादा ले आइए, ताकि हमें भी यहाँ पर थोड़ा पढ़ाने का अच्छा मजा आए और एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करें। हम आपके लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, बस आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। एक मैं आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि दोस्तों आप थोड़े स्टूडेंट यहाँ ज्यादा लाइए प्लीज। ठीक है, जय हिंद, जय वंदे मातरम, अगेन थैंक्स सो मच।